अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह कोटरदा किशन के अंदर एक अजीम चैनल 26 के नाम से चल रहा है। जनाब मोहतरम जिसके चीफ हैं मोहतरम मुल मकाम मोहम्मद आसिफ साहब, इसको चला भी रहे। हम दुआ करते हैं अल्लाह भाई को मजीद बरकतें अता फरमाए, जो दीन के लिए बेलौंस और मोहब्बत भरे अंदाज में काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह इस चैनल को मजीद बरकतें अता फरमाए और इसका अल्लाह दिन रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा गुलाम और हुजूर अली सलाम जब मक्का से मदीना तशरीफ लाए ना, तो हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कलमा उन्होंने मदीना शरीफ में पढ़ा था। ये मदीने के साहबी थे, बनू कुरैज़ा कबीले के गुलाम थे यहूदी के। मेरे आका अली सलाम जब मदीना शरीफ आए तो हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर के तीन उसाब पढ़े थे। हुजूर की तीन उसाब पड़े थे। एक तो ये सिफ पड़ी थी कि हुजूर को जब सदका दिया जाएगा हुजूर कभी भी सदका नहीं लेंगे, और दूसरी बात जब हुजूर को तोहफा दिया जाएगा हदिया दिया जाएगा हुजूर उसे कबूल फरमा लेंगे, और तीसरी बात महबूब जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये होगी उनकी पीछे एक मोहर नबूवत होगी खत्म नबूवत। तीनों बातें कहते मैंने ये पढ़ी हुई थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो मैंने एक दिन खजूरें ली, बड़ी उम्दा खजूरें हुजूर की बारगाह में लेके गया, आका अली सलाम की बारगाह में पेश की। हुजूर अली सलाम ने फरमाया यार ये क्या है? मैंने कहा यार रसूल ये सदका है। हुजूर ने फरमाया यार सदका मैं नहीं लेता, ले जो इसे। तो वो सदका ले गया वापस। तो हुजूर अली सलाम ने सदके को नहीं लिया। फिर आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरा दिन आया तो फिर हजरत सलमान फारसी हुजूर की बारगाह में वो खजूरें फिर लेके आए। आका अली सलाम ने पूछा ये क्या है? कहते यार रसूलल्लाह ये तोहफा है, मेरे नबी ने कबूल फरमा लिया। अब दो बातें पूरी हो चुकी थी। अब तीसरी जो मोहर नबूवत और खत्म नबूवत की जो मोहर थी हुजूर के दोनों कंधों के दरमियान, अब उन्हें कैसे देखता? कहता हुजूर अली सलाम ना बकी के अंदर जन्नतुल बकी के अंदर एक जनाजे में थे और मैं टिकटिकी लगा कर हुजूर अली सलाम को देख रहा था, और आका अली सलाम ने जब मेरे चेहरे की तरफ देखा ना तो काफी देर से मैं भी खड़ा था इसी इंतजार में। अब हुजूर कपड़ा उठाते तो मुझे वो मोहर नबूवत नजर आती। हुजूर अली सलाम तो ये मैं जाके ये तो कर ही नहीं सकता था कि माज़अल्लाह हुजूर अली सलाम का कपड़ा उठाता तो फिर हुजूर मुझे दिखा दे, ये तो हो नहीं सकता था। कहता कि मैंने देख ही रहा था और सोच रहा था या अल्लाह ये भी मेरी जो आखिरी बात है पूरी कर दे जो मैंने सोची हुई थी जो मैंने पढ़ी हुई थी। कहते हुजूर अली सलाम ने मेरी तरफ फरमा के फरमाया सुलेमान इधर आ ये ले अपनी तीसरी ख्वाहिश को भी पूरी कर ले। हुजूर अली सलाम ने कपड़ा उठाया और मैंने तीसरी हुजूर की खत्म नबूवत और मोहर नबूवत को हुजूर की मोहर नबूवत को मैंने देख लिया। तीनों बातें मेरी पूरी हो गई। आप फरमाते हैं कि जब तीनों बातें पूरी हो गई ना तो मैंने अगले दिन आके या रसूलल्लाह एक मसला और है, मैं यहूदी का गुलाम हूँ बनु कुरैज़ा कबीले का, या रसूलल्लाह बड़ा सख्त है तो मेरे लिए मेहरबानी फरमाए, मैं आजादी चाहता हूँ। हुजूर अली सलाम ने फरमाया उससे बात करो। जब हजरत सलमान फारसी ने उससे बात की ना वो कहता है हाँ मैं आजाद कर दूंगा। उसने कहा ऐसी शर्त लगाएंगे ये अदा ही नहीं कर सके, ऐसी भारी शर्त लगा दी कि अदा ही ना कर सके। मेरे हुजूर अली सलाम ने फरमाया जाओ उनसे बात करो, जैसी भी भारी शर्त लगाएंगे हमें कबूल है। उनका 300 दरख्त ऐसे लगाओ खजूर के एक साल में बड़े हो जाए और वो फल दे, और 40 ओकिया सोना ये भी अदा करो, और 40 ओकिया सोना उस वक्त अल्लाह अकबर जो आज के दौर में इसकी कीमत और ज़र्ब तकसीम की जाए तो तकरीबन ये 4,60,00,000 रुपए बनता है। उस वक्त हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु को इतनी कीमत देकर मेरे महबूब ने आजाद करवा दिया। और दूसरी बात 300 दरख्त की जो थी हुजूर अली सलाम ने खजूरों के 300 दरख्त लगाए और एक साल के अंदर वो तैयार हो गए।
ایک سال کے اندر تیار ہوئے پھل دیے وہ بھی مطالبہ پورا ہو گیا۔ میرے نبی وہ ہیں جن کی ختم نبوت کی باتیں پہلے لوگ بھی کرتے تھے، مہر نبوت کی باتیں پہلے لوگ بھی کرتے تھے۔ الحمدللہ ختم نبوت کی ایسی محبت ہے، مہر نبوت کی ایسی محبت تھی جو صحابہ نے دیکھی۔ حضرت سواد انصاری تھے جنگ بدر کے صحابی، کہتے کہ میرے حضور علیہ السلام نے میرے بدن پہ حضور نے چھڑی لگائی تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے قصاص لینا، بدلہ لینا ہے۔ حضور نے فرمایا کیسا بدلہ؟ کہتے یا رسول اللہ میں نے بھی آپ سے بدلہ لینا کہ آپ نے مجھے جو مارا ہے۔ صحابہ کہتے ہم منہ کو دیکھتے رہ گئے، حضرت سواد کیا کہتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے بدلہ لے لو۔ جب حضور سے بدلہ لینے لگا تو انہوں نے حضور کی ختم نبوت کو، مہر نبوت کو چوم لیا۔ تو یہ ہے حضور کی مہر نبوت کی اللہ پاک نے کتنی بڑی شہرت دی، یہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہے۔